दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटमोस्फेरिक कंडीशन गवर्न द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया, कि हमारे इंडिया के अंदर जो क्लाइमेट बनता है उसके पीछे क्या क्या वजह हमें देखने को मिलती है। उसके पीछे सबसे पहली वजह है कि दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर जो एयर का फ्लो होता है ना, प्रेशर जितने तेजी के साथ आप देखते हैं कि एयर होती है, तो उसी वजह से हमारे इंडिया के अंदर क्लाइमेट और उसकी अलग अलग फॉर्मेशन बनती है। एयर सर्कुलेशन की किस तरीके से हवा बह रही है, अगर ज्यादा तेजी के साथ किसी एरिया में बहती है तो वहाँ का क्लाइमेट अलग तरीके से होता है, जहाँ कम स्पीड से बहती है तो वहाँ का हमारा जो क्लाइमेट होता है वो अलग होता है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि जो वेस्ट साइड से आने वाली आप देखते हैं हवाएं होती हैं, जब वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट में जाती हैं तो वो भी हमारे कंट्री के क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑल आर राइट है ना। ये सभी चीजें हमारे इंडिया के अंदर एक सोफिस्टिकेटेड कंडीशन बनाती हैं और हमारे इंडिया की वेदर को इफेक्ट करती हैं।